प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एक विश्व स्तरीय स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे। यह स्टेडियम वाराणसी के सिगरा में स्थित है, जिसका नाम उत्तर प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर संपूर्णानंद के नाम पर रखा गया है। डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्टिंग स्टेडियम पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इसे लगभग 15 एकड़ में विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ बनाया गया है। लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से बने इस स्टेडियम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। 180 कमरों वाले छात्रावास के अलावा, जिसमें 90 कमरे लड़कियों के लिए और 90 कमरे लड़कों के लिए भी है, स्टेडियम आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित भी है तथा इसमें जूडो, कराटे, टेबल टेनिस, निशानेबाज, लॉन्ग टेनिस, क्रिकेट और हॉकी सहित 50 खेलों का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश खेल का हब बन रहा है। खेल के मूलभूत ढांचे के सुधारने के साथ खिलाड़ियों को अच्छा माहौल भी मिलता है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय मैचों में पदकों की संख्या भी बढ़ी है। इस स्टेडियम के निर्माण से पूर्वांचल की मिट्टी से अब और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी निकलेंगे। काशी में मल्टीपल स्पोर्ट्स मल्टी लेवल आधुनिक इंडोर स्टेडियम का निर्माण कराया गया है। डॉक्टर संपूर्णानंद सिगरा स्पोर्टिंग स्टेडियम का पुनर्विकास 325.65 करोड़ से अधिक की लागत से हुआ है। स्टेडियम में इंडोर और आउटडोर दोनों की सुविधाएं रहेंगी। इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग टेक्नोलॉजी से तैयार किया गया है। इसका संपूर्ण स्ट्रक्चर स्टील का है और डेक स्लैब सिस्टम से इसकी छत को ढाला गया है। मॉड्यूलर इंसुलेटर दीवारें, जिस पर प्लास्टर से निर्मित यह भवन न्यूनतम जल के इस्तेमाल से प्रमोट करता है। ग्रीन बिल्डिंग मानक पर बनी इस बिल्डिंग में सीवरेज सिस्टम प्लांट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, डबल स्क्रीन इंसुलेटेड रूफ सेटिंग का यहाँ पर मैदान का सबसे अलग बनाया गया है और यहाँ पर पानी बरसने के बाद कुछ ही समय में पूरा मैदान सूख जाएगा और पानी की निकासी की व्यवस्था भी होगी। तो वहीं दूसरी तरफ पूर्वांचल के खिलाड़ियों को अब वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय मैच देखने को भी मिलेगा। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जिम, स्पा, योगा सेंटर, पूल, बिलियर्ड और कैफेटेरिया के साथ बैंकेट हॉल की सुविधा भी है। मल्टीपल स्पोर्ट्स और मल्टीपल लेवल आधुनिक इंडोर स्टेडियम के मानकों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यहां पैरा स्पोर्ट्स की प्रतियोगिता भी हो सकती है। प्रथम चरण का निर्माण लगभग 109 करोड़ से हुआ था। दूसरे और तीसरे चरण का निर्माण लगभग 216 करोड़ से हुआ है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खिलाड़ियों को पदक लाओ पदक पाओ प्रेरित करते हैं। योगी सरकार पदक पाने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार स्वरूप अच्छी धनराशि भी दे रहे हैं। अब अन्य प्रदेश के भी खेलों में योगी सरकार का उदाहरण दे रहे हैं। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में खेल का अनुकूल माहौल देते हुए यहां सुविधाओं में काफी बढ़ोतरी की है। इससे गरीब खिलाड़ियों का भी हौसला बढ़ रहा है। खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय मानक के उपकरणों व मैदान पर खेलने का अवसर मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मैचों में इसका फायदा भी मिलेगा। वाराणसी पूर्वांचल का केंद्र है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्टेडियम पूर्वांचल के लिए वरदान साबित होगा।
हूँ।